आज के समय में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। अब चाहे वो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या फिर हमारी जिंदगी में हर दिन इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन हो, फिलहाल हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर दूसरे दिन एक नया फोन मार्केट में दिखाई दे ही जाता है। नए स्मार्टफोन के साथ नए तरह के चार्जर भी दिखाई देते हैं। इन सभी चार्जर का एम यही होता है कि फोन जल्द से जल्द चार्ज हो सके। जितना महंगा फोन उतना ही महंगा उसका चार्जर होता है। जैसे कि आईफोन, आपको इस ब्रांड के फोन का चार्जिंग एडाप्टर और उसकी केबल दोनों अलग अलग खरीदने पड़ती है। अलग अलग आईफोन होने की वजह से एक ही चार्जर हर फोन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। खैर, अब इसी समस्या को सुलझाने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कॉमन चार्जर की संभावनाएं तलाशने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में चार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होंगे। ये कमेटी 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस पूरे पीरियड में एडिशनल सेक्रेटरी निधि खारे की लीडरशिप में ये कमेटी काम करेगी। कमेटी में कॉमर्स, आईटी, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इसी के साथ सीआईआई, FICCI, MAIT, ICA, CEMA के अधिकारी भी इस कमेटी में शामिल होंगे। ये कमेटी मोबाइल, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और ईयरपॉड्स में कॉमन चार्जिंग पोर्ट की संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। इसी के साथ ये कमेटी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स को भी स्टडी करेगी। तो चलिए, इन सभी बातों को जानने के बाद अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक डेस्क और एक चार्जर से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अब ज्यादा वक्त न गंवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो इससे आईफोन वाले यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो इसका जवाब ये है कि दरअसल एंड्रॉइड के फोन में टाइप सी पोर्ट को देखा जा सकता है, लेकिन आईफोन को चार्ज करने के लिए लाइटनिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो टाइप सी से अलग होता है। वन डिवाइस और वन चार्जर के फायदे, इस बात को सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस स्कीम से सिर्फ लोगों को नुकसान ही पहुंचेगा, लेकिन इस स्कीम को शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लंबे टाइम पीरियड से देखने की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे इस स्कीम का फायदा लॉन्ग टर्म में होगा, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट वॉच तक में एक ही प्रकार का चार्जर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये न सिर्फ यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा। इसकी वजह ये है कि बहुत से लोग फोन बदलते हैं और पुराने चार्जर को कूड़े में डाल देते हैं या फिर वो उसे एक्स्ट्रा चार्जर की तरह रख लेते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। वो घर के किसी एक कोने में पड़ा रहता है। लेकिन एक देश एक चार्जर की योजना से लोगों को हर जगह उनके फोन का कंपैटिबल चार्जर मिलेगा। यूनिवर्सल चार्जिंग डिवाइस यानी कि USD नाम से नए रूल्स और रेगुलेशंस तैयार किए जाएंगे, जिसकी मदद से स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरपॉड्स और टैबलेट जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक ही प्रकार का चार्जर तैयार किया जाएगा। इससे यूजर्स एक ही चार्जर की मदद से एक एक करके अपने डिवाइस को चार्ज कर सकेंगे। अगर वो बाद में अपना डिवाइस बदलते भी हैं, तो उन्हें पहले की ही तरह एक नए डिवाइस के साथ एक नया चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के नए नए चार्जर खरीदने की समस्या तो इससे मिटेगी ही, लेकिन इस स्कीम का एक और बड़ा फायदा भी मिलेगा। डिजिटल होते जमाने के साथ ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी दुनिया की एक बड़ी समस्या के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में खतरनाक सब्सटेंसेस जैसे कि शीशा, पारा, कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि ई कचरे के नाम पर कुछ कंपनीज अपने यूजर्स के साथ एक अलग खेल खेलती हुई नजर आ रही है, और ये खास तौर से कई वेस्टर्न कंपनीज में देखा जा रहा है जो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में ई वेस्ट को कम करने की जगह बढ़ावा ही देती है। हर कंपनी कमाई करना चाहती है, हकीकत में वो बनी भी इसीलिए है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए कंपनी नए नए तरीकों को भी खोजती है, और मोबाइल कंपनीज के लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण चार्जर है। मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हेडफोन, पावर बैंक और ईयरफोन आमतौर पर इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अलग अलग चार्जर का इस्तेमाल होता है, और इनको खरीदने के बाद ही ब्रांड्स के कमाई के साधन बढ़ते हैं। आज के वक्त में जब आप महंगी से महंगा फोन खरीदने जाते हैं, तो कई कंपनियों के स्मार्टफोन्स के बॉक्स में चार्जर तक नहीं मिलता है। इसके पीछे कई कंपनीज की सोच ये है कि अगर बॉक्स में चार्जर दिया जाता है तो उससे ई वेस्ट बढ़ रहा है। ये चलन सबसे पहले एप्पल ने शुरू किया था, और आज सैमसंग के साथ साथ कई बड़ी कंपनीज ने भी अपने स्मार्टफोन्स के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है। खास बात यह है कि ये कंपनीज कहती हैं कि लोगों के पास पहले वाले फोन का चार्जर होता है, लेकिन हकीकत में बात यह है कि जिन लोगों ने पहली बार फोन खरीदा हो तो उन्हें चार्जर अलग से कंपनी का खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा लोगों को यूज्ड फोन बेचने के लिए मोटिवेट किया जाता है, लेकिन उसके साथ शर्त ये होती है
कि पुराने फोन के साथ उसका चार्जर भी हो, वरना फोन की कीमत कम लगाई जाएगी। तब पुराने फोन की कीमत के चक्कर में एक कस्टमर पहले उसका चार्जर भी बेचता है और फिर नया फोन बिना चार्जर वाला खरीदकर चार्जर अलग से लेता है। तो असल में ये कई कंपनीज के लिए ज्यादा प्रॉफिट बनाने का फॉर्मूला बन चुका है। हालांकि मोदी सरकार ने इस फॉर्मूले पर ब्रेक लगाने और बढ़ते हुए ई कचरे का सलूशन निकालने के लिए इस बड़े कदम को उठाने की तैयारी की है। अगर एक बार को हम इन कंपनीज के इस ई वेस्ट को कम करने के तरीके को प्रैक्टिकली देखें, तो उससे भी वेस्ट कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर चार्जर एक ही बॉक्स में दिया जाए तो उससे एडिशनल पैकेजिंग के लिए रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन चार्जर अलग से बेचने की वजह से लेबर, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और पेट्रोल जैसे रिसोर्सेस का अननेसेसरी वेस्ट इन कंपनीज के इस कॉन्सेप्ट में कंसिडर्ड नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से टाइप सी चार्जर को पूरे देश में एक चार्जर के तौर पर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। दरअसल भारत सरकार टाइप सी चार्जिंग पोर्ट को स्टैंडर्ड बना रही है, यानी अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स या कोई और, उन सभी में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ही देखने को मिलेगा। आप भले ही सस्ता फोन लें या महंगा फोन, उसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट की अवेलेबिलिटी मिलेगी। एक एस्टिमेट के मुताबिक साल 2025 तक सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एक ही तरह का चार्जर यानी टाइप सी चार्जर का उपयोग करने की नीति पर सरकार काम कर रही है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सरकार के इस कदम से हर ग्राहक चार्जर्स की संख्या में काफी कमी आएगी। इससे लोगों को बार बार नया चार्जर नहीं लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ई वेस्ट में भी कमी आएगी। दरअसल अभी तक होता यह है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग अलग चार्जर बाजार में मौजूद हैं और लोगों को अलग अलग चार्जर खरीदने पड़ते हैं। इससे लोगों का पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और वेस्ट भी बढ़ता है। ई वेस्ट के मेंटेनेंस में भी सरकार को भी समस्या होती है। इसी का समाधान सरकार निकालने के प्रयास में है। इससे पहले भी यूरोपीय संघ भी घोषणा कर चुका है कि 28 दिसंबर 2024 से बेचे जाने वाले आईफोन के साथ साथ सभी स्मार्टफोन को एक नया सामान्य यूएसबी टाइप सी चार्जर ही आएगा। साथ ही लैपटॉप निर्माताओं को इस नए निर्देश का पालन करने के लिए 2026 तक का समय दिया गया है। मोदी सरकार के इस डिसीजन से एप्पल को एक झटका तो लगेगा ही, क्योंकि कंपनी को टाइप सी के चलते अपने प्रोडक्शन तक में एक बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत में आईफोन्स की बिक्री में तेजी से लेकर यहां बड़े एप्पल प्रोडक्ट्स के क्रेज के चलते कंपनी इस फैसले को लेकर ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी। कंपनी पहले ही यूरोपियन यूनियन के इस तरह के आदेशों को अपनी एक्सेप्टेंस दे चुकी है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि आपको आईफोन 16 तक में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ही देखने को मिलेगा। ई वेस्ट को लेकर कंपनियों से लेकर पश्चिमी देशों ने नौटंकियां तो एक से एक तरह की हैं। ऐसा दिखावा भी किया कि आखिर में जलवायु परिवर्तन को लेकर कितने चिंतित हैं, लेकिन उनकी हरकतें ही बता रही थी कि उनकी ये सारी चिंता बस एक छलावा है। वहीं टाइप सी को एक यूनिवर्सल चार्जर घोषित कर भारत सरकार ने बता दिया है कि अगर काम को सफल बनाना हो तो नीयत पहले साफ और स्पष्ट करनी होगी। एक घर में अगर चार फोन है तो अलग अलग ब्रांड्स के हैं, तो कई बार उनके चार्जर्स भी अलग अलग चार्जिंग पोर्ट होते हैं। किसी का फोन माइक्रो यूएसबी पोर्ट वाला है, किसी का यूएसबी टाइप सी, तो कोई एप्पल का लाइटनिंग केबल यूज कर रहा है। वहीं लैपटॉप, ईयरफोन और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के चार्जर भी अलग होते हैं। अगर इन सभी डिवाइसेस के लिए एक चार्जर होगा, उससे लोगों का काफी पैसा बचेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि एक देश एक चार्जर की स्कीम हमारे बड़े और डाइवर्स देश के लिए सबसे बेस्ट है? क्या आपको लगता है कि ये स्कीम आने वाले समय में सक्सेसफुल रहेगी? आप इस स्कीम के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।